डूड इतने एफर्ट्स के बाद फाइनली ये ऑरेंज हो गया। हे गाइस नमस्ते सलाम सत श्री अकाल केम चुदा भाई। पता ही होगा कि ऑफ कोर्स अपडेट आ चुका हुआ और मैंने जैसे ही अपडेट किया मैंने सोचा कौन से पोकेमॉन आया होगा, बहुत क्यूरियस था। आगे मैंने देखा वॉर सीरीज का सारे पोकेमॉन आए हुए हैं, तो भाई मैंने देखा यहाँ पे एंसरर है, लेकिन एंसरर ऑफ कोर्स एसआर कैटेगरी में आ रहा है। कास्ट पहले के जैसे हम लोग कॉइन एक्सचेंज से ही मतलब कॉइन के मदद से ही अपने इन सारे न्यू पोकेमॉन्स को बना पाते, लेकिन कोई नहीं, मुझे वॉर मेटाग्रॉस बहुत अच्छा लगा। ऊपर से इसके पास ऑटो मूव अनलॉक है ऑलरेडी भाई। वॉर एंसरर और कह लो और एक पोकेमॉन है, वेट कहाँ गया पिंसर, इस पे भी होना चाहिए था ना जी मूव आटू मूव अनलॉक आई मीन टू से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई मुझे मेटाग्रॉस वैसे बहुत अच्छा लगा और स्टील टाइप भी है, मेरे सूट में भी आता है, मेरे सनमून के अकाउंट में, और लैंड्रेस भी तो आया हुआ ही है, लेकिन इसमें भी देखोगे तुम तो तुम्हें नहीं मिलेगा आटू मूव। तो भाई ये बहुत अच्छा हुआ कि मेटाग्रॉस पे आटू मूव अनलॉक्ड है ऑलरेडी। तो भाई ये मुझे बहुत सही लगा और मैं सोच रहा था किस तरह से इसे मैं भाई कर ही लूँ, बाय कर लूँ या फिर मैं इसे सिंथेसाइज कर लूँ। भाई यही दो तरीका है इसे कैच करने का, ठीक है। तो मैं सोच रहा था भाई कौन सा तरीका अपनाऊँ, क्योंकि 30 एनिवर्सरी मेडल देखो ये कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है पहले दिन में, क्योंकि पहले दिन में थोड़े से कम इवेंट ऐसे हमें मिलते हैं। अगर तुम 2-3 हज़ार क्रिस्टल सॉरी एनर्जी भी खर्च करोगे ना, तब जाकर तुम्हें 20-30 मिल सकते हैं, ठीक है। 1K एनर्जी पे नामुमकिन है तुम्हें 30 मिलना, बहुत रेयर बंदे लोग को मिलता है, जिन्हें मिलता है वो तो खुश नसीब है। वैसे यहाँ पे आकर मैं देख रहा था भाई कौन कौन से पोकेमॉन आए हुए हैं। कुछ अच्छे पोकेमॉन हैं लाइक कैल्डियन, सेलेबी, ये सब पोकेमॉन भाई कह सकते हो ना अपने एक भाई कह सकते हो कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये पोकेमॉन्स का भाई सबसे ज़्यादा डिमांड मैंने देखा मूल सवेकन में। बाकी सारे ये सर्वर्स में ना मेगा सर्वर्स में तुम देखोगे तो यार न्यू पोकेमॉन्स को ज़्यादा डिमांड देते, क्योंकि वहाँ पर मेगा ही सिर्फ बनाना होता है इसलिए। चलो ठीक है, वैसे यहाँ पर मैंने मेटाग्रॉस को सोचा कुछ करने का, लेकिन यहाँ पर मैंने जब देखा मैंने शैट्स की है कितने, तो मुझे समझ में आया चलो ठीक है भाई इसे मैं इजीली यहाँ पे सिंथेसाइज कर सकता हूँ। तुम्हें भी अगर बाय करना कोई पोकेमॉन आई मीन इसे कैच करना है तो वह सिंथेसाइज प्रोसेस सबसे बेस्ट होता है। मैंने यहाँ पे बहुत दिनों से कह सकते हो कि यार हफ्ते में एक बार कुछ शेड्स मिलते हैं एसएसआर पोकेमॉन्स के, क्योंकि मेटाग्रॉस एसआर कैटेगरी में आता है, फिर भी एसएसआर पोकेमॉन से मुझे उसे एक्सचेंज करना पड़ेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसा इन लोगों ने एल्गोरिदम बना दिया इस गेम का, तो नथिंग टू डू। फिलहाल एक्सचेंज शेड, अच्छा नहीं सिंथेसाइज तो नहीं हो सकता ना, सॉरी मैं गलती से उस पर क्लिक कर रहा था, एक्सचेंज शेड। एंड भाई यहाँ पे मैंने देखा कि यार चलो मतलब 600 सेट्स लगते हैं टोटल, 600 सेट्स एक पोकेमोन बनाने के लिए, तो मेरे पास 440 है, 210 है, 80 है एसएसआर सेट्स। तो मैंने टोटली यहाँ पे हो कर दिए शेड्स को एक्सचेंज, एंड मैं नहीं चाहता था मेरा म्यूटू को जाए, क्योंकि म्यूटू को मुझे R6 बनाना है इस अकाउंट के अंदर, और लुगिया है बचा हुआ, लेकिन पहले सताका था जो भी है। यहाँ पे नॉर्मल मतलब ऐसे जो रफ यूज़ के लिए मैंने जो बाइक किया हुआ है एसएसआर पोकेमॉन शेड्स, उन सबको मैं यूज़ कर रहा था, एक एक चाहे दो 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 तीन तीन। मैं नहीं चाहता कि भाई लुगिया का भी बर्बाद हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लुगिया भी अपनी टीम में है, ठीक है। तो भाई लुगिया का ही शेड्स मैंने यहाँ पे ना स्टार्ट कर दिया एक्सचेंज करना, वही ज़्यादा बेटर होएगा। और भाई ऑलरेडी 142, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 40, 50, भाई इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना भाई, ऐसा सर बहुत रेयरली हमें मिलता है शेड्स। फाइनली भाई वॉर मेटाग्रॉस मेरे पास है, ऊपर से फाइटिंग एंड स्टील टाइप, ये टाइप कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, और मूव भी ऑलरेडी अनलॉक्ड है, तो ये पोकेमॉन बेस्ट मैं टीम में ही रखूँगा। फिलहाल इसके लिए मैं इसे पूरा फुल्ली ट्रेन करने वाला हूँ। ट्रेनिंग में था भाई फेटर बहुत ज़रूरी है, फेटर बोल रहा हूँ, फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है, तो भाई फ्रेंडशिप बाद में कर लूँगा, वो मेरे पास बहुत सारे कीज़ है, एक रात के लिए ऑटो क्लिकर लगाऊंगा ना तो नेक्स्ट डे सारा काम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसको अभी मुझे लेवल अप, ब्रेकअप लाइक ऑरेंज तक करना पड़ेगा, और ऑरेंज करने के लिए भाई मेरे पास पता शेड्स नहीं थे, सॉरी वो कार्ड्स नहीं थे, वो कार्ड्स मैंने कहाँ से कलेक्ट करें भाई। बहुत मज़ा आने वाला है इस वाले वॉर मेटाग्रॉस को ट्रेन करने में। फिलहाल 65, 85, 86 लो हो चुका है मेरा मैक्स लेवल का ये वॉर मेटाग्रॉस, एंड इसे ब्रेकअप करना था, तो मैंने ब्लू प्लस वन ये सब तो बहुत इजीली हो गया ऑलरेडी, मेरे पास इसका बहुत सारे क्या बोलते हैं चेस्ट भी थे, तो जल्दी जल्दी मैंने इसे कर भी लिया। पर्पल में आ चुका हूँ, एंड पर्पल भाई ऑरेंज करना भाई एक पोकेमॉन के एक ही दिन के अंदर, और वैसे भी तुम्हारे पास जब चेस्ट ना हो तो मुश्किल हो जाता है, रेड मार कर तो भाई और मुश्किल हो जाता है, तो भाई ऐसा तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फिलहाल पर्पल प्लस टू मैंने जैसे तैसे कर लिया हुआ है, पर्पल प्लस थ्री उसके बाद लास्ट वाला जो पर्पल प्लस थ्री से ऑरेंज जाते हैं ना, वहाँ पे सारे के सारे शेड्स हमें चाहिए होते हैं, सॉरी कार्ड्स, बार बार शेड्स क्यों कह रहा हूँ। अच्छा मेरे पास यहाँ पे ना ब्लू कार्ड्स सॉरी पर्पल कार्ड्स का कुछ चेस्ट है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। फिलहाल तो मुझे क्या चाहिए था, एम्प्रेस ना यार, एम्प्रेस दिख क्यों नहीं रहा मुझे, नहीं यहाँ मोटर से कहाँ गया एम्प्रेस यार, सच में नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा मिली सॉरी सर, ये रहा 34 है, डैट मीन 60 चलो मान लेते हैं, और 66 हाँ
इतने में तो हो ही जाना चाहिए 66। हाँ ठीक है, परफेक्टली। ज़्यादा मैं यूज़ करूँगा नहीं, क्योंकि वैसे भी कब है बहुत कम है मेरे पास चेस्ट के कार्ड्स। तो ड्रैगनाइट मुझे चाहिए था, और ड्रैगनाइट ऑलरेडी है मेरे पे दो, तो दो रिचार्ज था ना। हाँ ठीक है, 96 हो गया हुआ है। और क्या चाहिए मुझे यहाँ पे? स्नोलेक्स चाहिए, ठीक है। स्नोलेक्स भी चार है, मतलब 96 चाहिए टोटल, ठीक है। और 100 बच जा रहे मेरे पास। भाई मुझे चिंता इस बात की है कि यार नेक्स्ट वाला जो ब्रेकअप आएगा उसमें मैं कैसे करूँगा, क्योंकि वहाँ के लिए मेरे पास बचेगा नहीं ना शेड्स, सॉरी कार्ड्स। आई एम टेलिंग ओनली शेड्स, शेड्स एज ऑल राइट, ठीक है। भाई यही इसी बात का मैं चिंता कर रहा था। तो भाई मैं अभी ना इसे ट्रेन भी करने वाला हूँ, सॉरी ऑलरेडी ट्रेन कर ही रहा हूँ। तो भाई इसे मैं फाइट करूँगा, बहुत मज़ा आएगा। फिलहाल पहले इसे ऑरेंज करना, ठीक है। तो यार देख रहे हो इतने सारे पोकेमोन, ओ भाई ऑलमोस्ट पोकेमोन था भाई यहाँ पे मेरे पास थे, पोकेमोन के कार्ड्स थे यहाँ पे ब्रेकअप के लिए, तो वो तो ठीक ही है। भाई लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला बच गया रायकाओ। रायकाओ के लिए भाई मैं याद आया, भाई मैंने क्लेम नहीं किया हुआ मेरे गिल के रिवॉर्ड्स, तो मैंने सारे के सारे जाकर यहाँ पे क्लेम कर लिया। और वहाँ पे मुझे ये देखो 100 मिल चुका है पर्पल कार्ड शेड्स। तो भाई इजीली यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। रायकाओ मेरे पास कितना है, अच्छा ठीक है 34,300। एंड यहाँ पे आता हूँ, कहाँ गया रायको, रायको ये रहा भाई रायको कार्ड, एंड सिंपली से निकाल लेता हूँ मैं। तो भाई फाइनली अगर मेरे पास वो क्लेम नहीं कर, मतलब मैं नहीं क्लेम करता गिल्ड से, तो भाई ये हो नहीं पाता आज की आज मेरे। तो भाई अच्छा हुआ, शुक्र है कि हो गया। ऑरेंज प्लस 1, 2, 3, 4 बाद में देखा जाएगा। फिलहाल भाई ऑरेंज हो गया ना, बस दिखने में एकदम पूरा सोना का दिखना चाहिए। भाई मैंने देखा ओन मूव्स में, हाँ मेटाक्रॉस का बस ओन मूव्स इतने कुछ खास होते नहीं, मुझे कस्टम मूव्स देने पड़ेंगे। पहले तो ऑटो मूव मैंने यहाँ पे दे दिया, और कुछ नहीं चाहिए। पहले मुझे ऑटो मूव ट्राई करना भाई, ये लैकन स्पीक होता कैसा है, कैसे मूव यूज़ होता है। क्योंकि यार हमारे मून सेविकन में भी मैं चाह कर भी ये मूव यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि यार वहाँ पे ऑटो ही बनाना पड़ेगा। हाँ चाहता हूँ मतलब चाहकर यूज़ कैसे नहीं कर सकता, कर सकते हो, लेकिन ऑटो पोकेमोन पे यूज़ करने का मजा कुछ और होता है। वैसे यहाँ पे मेगा तक ही है, तो भाई मेगा में या फिर नॉर्मल में भी करने में मज़ा आता है। मुझे देखना बस यहाँ पे ये कैसा हो सकता है, मैंने कभी यूज़ करा भी नहीं था। ऑल राइट, तो ठीक है मैंने सब कुछ कर लिया वैल्यूज़ आप। तो ठीक है भाई, पीछे कितना ऑसम लग रहा है इनविजिबल और विजिबल करके, ये सच में बहुत तगड़ा दिख रहा है यार। लाल कलर का मेटाक्रॉस, सच में ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बेटर लगा पहले के मुकाबले। अच्छा हाँ यार, अभी तो वो रॉलेट आया हुआ है ना, क्या बोलते हैं, हाँ ये वाला लकी रॉलेट। तो भाई इसमें तुम्हें कितने मिले हैं? भाई मैं तो सोच रहा था भाई 555 ना मिले, लेट्स सी कितना मिलता है मुझे। यार वहीं पे आकर अटक गया वापस, ये ज़्यादातर यही होता है मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं इसका मतलब मूव कैसा है, हाउ टू मूव, ठीक है। लैकोनिक स्पीड स्पीड कैसा मतलब नाम है वैसे, कोई नहीं, वैसे मूव सही है। अटैक प्लस 1 हो चुका हुआ है। ये मूव का खासियत ही यही है कि भाई अटैक वगैरह प्रेस करते रहता है। तो भाई इस मेटाक्रॉस का भाई कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कौन सा होगा? अच्छा गाइस, तुम लोगों को बोल रहे थे तुम लोग कि यार सबसे बेस्ट पोकेमोन कौन सा होगा इस इवेंट में लेने के लिए। तो भाई अकॉर्डिंग टू योर शूट तो तुम लोग ही पोकेमोन, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि न्यू पोकेमोन बनाना, तो भाई इस वाले एनिवर्सरी मेडल में बना सकते हो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारा वक्त मिलने वाला है, पूरा 7 दिन का वक्त मिलने वाला है यार। आराम से तुम कलेक्ट कर सकते हो इवेंट आइटम, उसके बाद इजीली तुम जो चाहो मन अपना पोकेमोन कर सकते हो। वैसे ही पोकेमोन आने वाला है एक्स्ट्रा, जल्दीबाजी में कुछ करना मत, और भी न्यू पोकेमोन आने वाले हैं रिसेट होने के बाद ये पूरा इवेंट। तो भाई बहुत मजा आने वाला आगे चल के। मिलते हैं इस तरह का नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पे। शुक्रिया, थैंक यू।